तो देखिए मोहित मल्होत्रा हमारे साथ मौजूद हैं, हर्ष महाजन को हम सुन रहे थे। मोहित, आप बात कर रहे थे उनसे, उन्होंने तो बीजेपी की सरकार बनेगी ये तक कह दिया, लेकिन ये मामला कुछ समझ में नहीं आया। क्रॉस वोटिंग की कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने, संकट आया कांग्रेस की सरकार पर और सस्पेंड हो गए 14 बीजेपी के विधायक। देखिए, यही आशंका जयराम ठाकुर को थी कि ये सब कुछ हो सकता है, इसी वजह से वो गवर्नर से मिले थे। गवर्नर ने स्पीकर को तलब भी किया था, उनको कहा भी था कि नियमों के मुताबिक ही कार्यवाही हो, लेकिन सदन के अंदर जो आचरण है उसका आधार बनाते हुए सस्पेंड कर दिया गया है 14 विधायकों को। एक बड़ी खबर मैं आपको बताना चाहूँगा इस वक्त, विक्रमादित्य सिंह जिन्होंने अभी इस्तीफा दिया है, उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया आलाकमान को कि रात तक इस पूरे विवाद को सुलझाया जाए, सीएम चेहरे को हटाया जाए, सीएम चेहरा बदला जाए, नहीं तो सरकार को गिरा दिया जाएगा, उनके पास भी कुछ विधायक हैं। तो ये एक बड़ी खबर है जो इस वक्त मैं आपको बता रहा हूँ। हालांकि विक्रमादित्य सिंह ने सब कुछ कैमरों के सामने नहीं कहा है, लेकिन अंदर की खबर हम आपको बता रहे हैं कि विक्रमादित्य सिंह ने अल्टीमेटम दे दिया। इस वक्त मोहित मल्होत्रा में दे रहे हैं इस वक्त की हिमाचल प्रदेश की ये सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, विक्रमादित्य ने रात तक का अल्टीमेटम दे दिया है आलाकमान को, सुक्खू सरकार पर बड़ा संकट, विक्रमादित्य सिंह ने दिया है अपने पद से इस्तीफा और आलाकमान को दे दिया है अल्टीमेटम कि रात तक इस पूरे विवाद को सुलझा लिया जाए। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपके सामने। कुमार विक्रांत हमारे साथ जुड़े हैं। कुमार, दिल्ली में क्या हलचल है, दिल्ली आलाकमान किस तरह से उस पूरे मामले को देख रहा है? भले ही डैमेज कंट्रोल करने के लिए दो बड़े चेहरों को वहां भेजा गया है, लेकिन निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए क्या यह अप्रत्याशित था? क्या यह जो बीजेपी की तरफ से सवाल उठाए गए कि कांग्रेस कैसे राजनीति कर रही है कि उसे अपने ही विधायकों के मन का पता नहीं, पार्टी के अंदर क्या चल रहा है, क्या वास्तविकता यही है? देखिए, कांग्रेस को ये आशंका थी, इसीलिए सोनिया गांधी जो कि हिमाचल से पहले राज्यसभा जाने वाली थी, आखिर वक्त में उनको राज्यसभा राजस्थान से भेजा गया जिसको ज़्यादा सुरक्षित माना गया। कांग्रेस को ये पता था कि ऐसी नाराज़गी है, लेकिन कांग्रेस को ये लगता था कि नाराज़गी सुलझा ली जाएगी, वो उनके हाथ से बाहर निकल गई हैं चीज़ें। इसीलिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी से लंदन में बात की, केसी वेणुगोपाल लगातार सक्रिय हुए, उसके बाद भूपेंद्र हुड्डा, डीके शिवकुमार, रणदीप सुरजेवाला को बातचीत करने के लिए लगाया गया और वहाँ पर राजीव शुक्ला जो प्रभारी हैं वो पहले से मौजूद हैं, प्रियंका गांधी भी इसमें इन्वॉल्व हैं। तो कुल मिलाकर कोशिश यही है कि सरकार बचाई जाए, लेकिन सरकार बचाने का एक ही तरीका दिखाई देता है कि सुक्खू हटाए जाए। ये सक्रियता कांग्रेस पार्टी के अंदर डैमेज होने से पहले क्यों नहीं दिखाई देती, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जो विधायक नाराज हैं उन्होंने बाकायदा मुख्यमंत्री को एक लेटर लिखा था, जिसका जिक्र अभी अनुराग ठाकुर भी कर रहे थे कि भाई कांग्रेस ने जो वादे किए थे जनता से वो पूरे नहीं किए। विधायकों ने एग्जैक्टली यही लिखा था मुख्यमंत्री को लिखे अपने पत्र में, यानी नाराज वो बड़े पैमाने पर थे, इसका इजहार भी कर दिया था, फिर भी उन्हें मनाने की कोई कोशिश नहीं हुई। जी, मनाने की कोशिशें हुई और इसीलिए जो कल अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि रात में डिनर में वो विधायक हमारे साथ थे, अगले दिन सुबह नाश्ते के वक्त हमारे साथ थे, उनसे बातचीत की गई थी, लेकिन उन विधायकों ने उस समय ये नाराजगी शांत कर ली, लेकिन अच्छा। जब मतदान की बारी आई तो क्रॉस वोट कर दिया, वहाँ पर झटका लगा कांग्रेस पार्टी को। ऐसे में अब कांग्रेस पार्टी के सामने बड़ी समस्या ये है कि राहुल गांधी की पसंद सुक्खू को बदलना होगा, उसको नहीं बदलते हैं तो सरकार जा सकती है, और सुक्खू को बदलने पर भी अगर विक्रमादित्य सिंह ने मन बना लिया है पाला बदलने का, तो फिर कांग्रेस पार्टी के लिए और बड़ी मुश्किलें सामने दिखाई पड़ रही हैं हिमाचल प्रदेश। मोहित, सारा सवाल जो है सुक्खू के चेहरे को लेकर है, क्या दिखाई दे रहा है, क्या नजर आ रहा है, क्या ये इकलौती ऐसी शर्त है जिससे कांग्रेस की सरकार और पार्टी और विधायक सभी बच जाएंगे? सुक्खू का रहना या हटना ही सब कुछ डिसाइड करेगा, या मामला इससे अब आगे जा चुका है? देखिए, अब तक जो अंदर की खबर है उसके मुताबिक कांग्रेस के विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू के रवैये से नाराज हैं। उनका एटीट्यूड, अगर कोई भी विधायक अपना काम लेकर जाता है तो उन कामों का ना होना और विधायकों को तवज्जो ना दिया जाना, ये अभी आरोप सुखविंदर सिंह सुक्खू पे लगाए गए हैं और इसी आधार पर ही बगावत की गई है। लेकिन जो दो बड़े चेहरे हैं इस बगावत के, राजेंद्र राणा और सुधीर शर्मा, ये दोनों ही लगातार जीतते आ रहे विधायक हैं और इनको कैबिनेट में जगह नहीं दी गई, जबकि ये पॉपुलर चेहरे हैं कांग्रेस के। तो इसको लेकर भी आक्रोश ना सिर्फ इन दोनों विधायकों में था बल्कि अन्य कई विधायकों में था। कई विधायक का अलग अलग जो बोर्ड और निगम हैं उनमें चेयरमैनशिप चाह
चाह रहे थे कि उनको कोई ऐसा ओहदा मिल जाए जिसमें उनको या तो कैबिनेट रैंक या उसके मुकाबले की कोई पोजीशन मिल जाए, उनको भी जस्टिफाई नहीं किया गया, उनको जगह नहीं दी गई, उन पोजिशन पर नहीं बिठाया गया, इस वजह से भी नाराजगी थी। तो कहीं ना कहीं ये नाराजगी बढ़ रही थी। राज्यसभा चुनाव एक ऐसा मौका आया कि विद्रोह का बिगुल पहले 6 विधायकों ने बजाया और उसके बाद विक्रमादित्य सिंह परिवार, जो वीरभद्र सिंह का परिवार है, प्रतिभा सिंह जो कि हिमाचल कांग्रेस की अध्यक्ष हैं, वो तो कहीं ना कहीं मानी जाती हैं कि सुखविंदर सिंह सुक्खू के सबसे बड़े विरोधी हैं। अब उन्होंने भी झंडा उठा लिया है बगावत का। दो बड़ी चीजें कांग्रेस में विद्रोहियों की संख्या बढ़ती जा रही है।